शांति शांति अंतरिक्ष शांति शांति पृथ्वी शांति शांति आप शांति शांति औषधय शांति शांति वनस्पतय शांति शांति विश्वे देवाः शांति काम शांति शांति क्रोध शांति शांति ब्रह्म शांति शांति सर्व शांति शांति शांतिरेव शांति शांति साम शांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। एक और आचार्य विष्णुगुप्त एवं सिंहरण एक दूसरे से वार्ता करने एवं भावी योजनाओं को कार्यान्वित करने की दृष्टि से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर सम्राट धनानंद को समाहर्ता से आचार्य विष्णुगुप्त के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। सम्राट ने अमात्य राक्षस से आचार्य विष्णुगुप्त के संबंध में पूछा। ये आचार्य पाटलिपुत्र के आचार्य चणक का पुत्र है। आचार्य विष्णुगुप्त के अतीत को जान सम्राट चिंताग्रस्त हो उठे। चिंता व अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त सम्राट ने अमात्य को आचार्य को या तो ठीक करने की या राज्य से निर्वासित करने की आज्ञा दी। या मैं उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दूंगा, फिर मत कहना मैंने तुम्हारी एक नहीं मानी। और यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझसे कह देना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पाटलिपुत्र आचार्य की योजना से अनभिज्ञ था और दबे पांव शारंगरव का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। अब तो तुम्हारे और शिष्य भी पाटलिपुत्र। आचार्य अजय शारंगरव के आगमन के साथ और सतर्क हो उठे। पढ़ेंगे भी और मेरे कार्य में हाथ भी बटाएंगे। पाटलिपुत्र में हो रही घटनाओं से विचलित धनानंद ने पुनः एक बार महामंत्री वररुचि से संघर्ष का मार्ग अपनाया। मेरी दया से हैं आप मगध के महामंत्री, इसलिए मंत्री वर शिष्टता सीखिए। यदि ये सत्य है तो आज से ये शिष्टता और महामंत्री पद दोनों का त्याग करने को मैं तत्पर हूँ। महामंत्री वररुचि के आक्रामक रवैये से क्रुद्ध सम्राट ने सेनापति भद्रशाल को उकसाने का प्रयास किया। मगध को आज भी आपके शौर्य व पराक्रम की आवश्यकता है और आप इतने हतबल जाइए, परंतु भयग्रस्त होकर नहीं, निर्भय होकर। मगधपति आपके साथ है। एक ओर राज परिवार संघर्ष की ओर बढ़ रहा था और दूसरी ओर सुसिद्धार्थक का राजनैतिक दांवपेच के रंगमंच पर आगमन हुआ। और 10 पढ़ ले जाइए, 10 लगाइए और 100 ले जाइए, 100 लगाइए और 1000। भागुरायण ने सुसिद्धार्थक को आचार्य विष्णुगुप्त पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त किया। ब्राह्मण का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या करता है?
मैं भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर इतना बता सकता हूँ कि वह तक्षशिला विद्यापीठ में राजनीति का शिक्षक रहा है। अमात्य राक्षस उनसे कहना, महामंत्री वररुचि से मिलने पहुंचे। उनसे विनम्र प्रार्थना है कि आज मुझे एकाकी ही रहने दें। मैं किसी के समीप नहीं जाना चाहता और ना ही किसी को अपने समीप आने देना चाहता हूं। उनके आगमन से अभिव्यक्त उनके भावों को मैं समझ सकता हूं, पर अपनी पीड़ा मैं उनके साथ बांटने में स्वयं को असमर्थ पाता हूं। वररुचि के स्थान पर उन्हें भूतपूर्व महामंत्री शक्तार के दर्शन प्राप्त हुए। अमात्य चिंतित हो उठे। आचार्य विष्णुगुप्त आपसे मिलना चाहते हैं। क्या क्या नाम बताया तुमने? आचार्य विष्णुगुप्त। प्रणाम। प्रणाम आचार्य। प्रार्थना करने से पूर्व अपना परिचय देना आवश्यक समझता हूँ। आचार्य चणक का पुत्र विष्णुगुप्त हूँ। मैं पाटलिपुत्र का मूल निवासी हूँ, पर कुछ दिनों पहले ही तक्षशिला से पाटलिपुत्र लौटा हूँ। राजनीति का शिक्षक हूँ मैं। तक्षशिला ने मुझे राजनीति पढ़ाने का अवसर दिया था, यहाँ अवसर की खोज में आया। मुझे लगता है मेरा इतना अल्प परिचय आपके लिए पर्याप्त होगा। हाँ। और आवश्यकता पड़ने पर आपके गुप्तचर मेरा विस्तृत परिचय आपको देने में समर्थ होंगे ही। हाँ। नहीं, इसलिए वह श्रम आप उन्हीं से करवाएं। वह मेरे और आप हम दोनों के लिए योग्य होगा, क्योंकि वह परिचय निसंदिग्ध होगा। आचार्य आप बैठिए ना। नहीं, मैं चलूंगा। कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं उन्हें प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता। पर आपने यहाँ आने का प्रयोजन नहीं बताया। जब से पाटलिपुत्र लौटा हूँ, आपके बारे में, आपकी सतर्कता के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। तब से आपके प्रति मन में कुछ उत्सुकता, एक जिज्ञासा थी। जो कुछ सुना था उसके आधार पर मुझे विश्वास हो चला था कि आप मेरे लक्ष्य के अनुसंधान में उपयोगी सिद्ध होंगे, मेरे सहायक होंगे। इसलिए आज मैं आपके दर्शनार्थ चला आया। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पर मैं आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि आप इतने निष्ठुर नहीं हो सकते कि सत्य जानने के पश्चात भी आप मेरा साथ ना दें। इसलिए मैं आपकी ओर से निश्चिंत हूँ और आश्वस्त भी कि मेरा साधन ठीक ही है। क्या मैं आपका साध्य जान सकता हूँ? या आपके और मेरे हम दोनों के लिए परीक्षा का समय है, और आपके गुप्तचरों का कुछ तो उपयोग होना चाहिए। एक आचार्य के साध्य को ढूंढने के लिए मेरी गुप्तचर संस्था के पास समय नहीं है। सच कह रहे हो, या यही कठिनाई है? आप मेरा समय व्यर्थ कर रहे हैं आचार्य। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। यदि आपको वास्तव में मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मेरी आपसे सत्य की अपेक्षा है।
तो क्या सत्य जानने के पश्चात आप मुझे सहायता देने का वचन देते हैं? यह आपके साध्य पर निर्भर करता है। तो क्या मैं बैठ सकता हूं? बैठिए। कहिए, आप कुछ कहना चाहते थे? एक शिक्षक का ध्येय क्या हो सकता है आर्य भागुरायण? अपने राष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य दे सके, यही उसका लक्ष्य होता है, यही मेरा भी। और जो कोई उसके मार्ग में बाधक हो उसे उखाड़ फेंकना चाहिए, यही निश्चय मेरा भी। मेरे लक्ष्य तक के प्रवास का मार्ग सामान्य नागरिक से लेकर सम्राट तक जाता है। मैं सत्ता व समाज की जड़ से लेकर शीर्ष तक पहुंचना चाहता हूं। प्रवास तो बहुत पहले ही प्रारंभ कर चुका हूं, पर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने से पहले मैं सम्राट व समाज दोनों को अपना अपना मार्ग दिखाए, उन्हें अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराए, ऐसी एक मार्गदर्शक संहिता की रचना करना चाहता हूं। पर मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं? आप मेरे मार्ग की बाधा न बनकर मेरी सहायता तो कर ही सकते हैं। अर्थात? मैं आपकी व्यवस्था के श्रेष्ठ गुप्तचरों से मिलना चाहता हूं, ताकि उनके माध्यम से मैं समाज की वास्तविक स्थिति एवं व्यवस्था के गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। आपके सतर्क एवं अद्वितीय गुप्तचरों द्वारा उपलब्ध ज्ञान मेरे लिए मार्गदर्शक होगा एवं मेरे ग्रंथ का आधार भी। आचार्य, आपके विचार स्तुत्य हैं, पर यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मुझे छद्मवेश धारण कर मेरे लिए उपयोगी सूचना एकत्र करनी होगी। यह आपके नियमों का उल्लंघन तो होगा ही, साथ ही साथ आपके विश्वस्त गुप्तचर मुझे अपराधी समझ कहीं अर्थ का अनर्थ न कर बैठे। मेरा कार्यक्रम तो अपरिवर्तनीय है। अब आप मेरी सहायता करते हैं या अपने नियमों में परिवर्तन, या आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, पर मेरा निश्चय अटल है। मैं सामान्य से सम्राट तक जाऊंगा, कहीं मेरी सहायता करेंगे? आचार्य, इसमें गोपनीयता का प्रश्न है। ये निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपकी सहायता करने के मार्ग ढूंढने का प्रयास करूंगा। यानी मैं भविष्य में आपसे सहयोग की आशा रखूं? संभवतः। इस आशा में भी बहुत सामर्थ्य है आर्य। मैं आपके निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा, आपके गुप्तचर तो मुझे ढूंढ ही लेंगे। प्रणाम। प्रणाम। अरे भगवान, सुबह सुबह इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? तुम अभी तक यही हो? मैंने सोचा था कि आप मुक्त करेंगे तो मुक्ति मिलेगी ना। सारी रात आपके कारण बिना आंसू के काटी है। अब गौरस तो मिलेगा ना। यही सम्राट की प्रतिक्रिया है? क्षमा करें महामंत्री, मैंने ही प्रार्थना का राज सभासदों को पुनः लौटाया है। अमात्य, यह परिषद की प्रणाली की और मेरी अवमानना है। मैं जानता हूं कि मैंने आपके अधिकारों का उल्लंघन किया है। उल्लंघन ही नहीं, तुमने अपमान किया है मेरा। मेरा आशय, मेरी भावना यह नहीं थी महामंत्री। तो क्या तुम मुझे शिष्टता सिखाना चाहते थे? मैं राजकुल में होने वाले कलह को टालना चाहता हूं। मैं होने वाले उस विस्फोट को रोकना चाहता हूं जो मात्र अग्नि के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा है। मत प्रयास करो अमात्य, मत प्रयास करो। कितने विस्फोट टालोगे?
संपूर्ण मगधी गंधक के स्रोत पर बैठा हुआ है। इसीलिए मुझे आपको और हम सबको प्रयास करना है। स्वयं को आश्वासन मत दो अमात्य, ये विस्फोट अब तुम्हारे और मेरे नियंत्रण से बाहर है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ही जब मगध से छल कर रहे हों, तो इन विस्फोटों से मगध कैसे सुरक्षित रह सकता है? आप मौन क्यों हो गए अमात्य? सम्राट के सम्मान की रक्षा के लिए आपने सभासदों को लौटा दिया, पर मगध के आत्मसम्मान के लिए क्या उत्तर है आपके पास? कैसे रक्षा कर पाएगा मगध जीवन मूल्यों की, जहां सहस्त्रों दंड भूमि मंत्री परिषद की अनुमति के बिना सत्ता के चाटुकारों और समर्थकों में बांट दी जाती है, और विद्यापीठ के निर्माण जैसे उदात्त कार्य का संकीर्ण स्वार्थों के लिए विरोध होता है? कैसे सुरक्षित रह पाएगा मगध, जबकि मगध की सामरिक शक्ति धन लोलुप व्यक्तियों की हीनता से ग्रस्त हो? यदि समय हो तो इन तथ्यों को देख लीजिएगा और स्वयं निर्णय कर लीजिएगा कि क्या आप इन विस्फोटों से अलिप्त रह पाएंगे, और यदि साहस हो तो सम्राट से पूछ लेना कि क्या वे इससे अनभिज्ञ थे, और यदि कर्तव्य बोध का ह्रास ना हुआ हो तो मगध को इतना उत्तर अवश्य दे देना कि इन अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी कौन है। और सम्राट से कहना कि मैं उनके लिए शिष्टता और महामंत्री पद दोनों छोड़ चुका हूं। उच्च स्थानों पर आसीन अयोग्य व्यक्तियों को उनके स्थानों से भ्रष्ट कर सकूं तो मगध के विकास में गति आए। अब हमें थोड़ा और साहस करना है और जीवित रहना है। महामंत्री के रूप में मगध में शिक्षा व संस्कृति के विकास में मैं असफल रहा हूं, आज भी प्रयत्न कर रहा हूं। श्री सफलता हाथ नहीं लग रही। मैं इस विष्णुगुप्त से मिलना चाहता हूं, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि इस विषय पर शीघ्रता पूर्वक निर्णय पाटलिपुत्र के आचार्यों में व्याप्त असंतोष को दूर करने महामंत्री के पद का बोझ आचार्य पद से हटा लूंगा कि गुरुकुल के लिए। मैं शीघ्र ही आपको अपना निर्णय सूचित करूंगा। मैं तुम्हारा महामंत्री नहीं रहा, मैंने महामंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। तुम्हारे वो मित्र आचार्य विष्णुगुप्त कहाँ हैं? अपने निवास पर होंगे, आप उनसे मिलना चाहते हैं? हाँ, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। आप कहें तो मैं उसे यहां ले आऊं। नहीं, मैं उनसे स्वयं ही मिलूंगा। श्रीयक, तुम मुझे आचार्य के निवास तक ले चलोगे? कब चलना चाहते हैं आप? अभी चल सकते हो। चलिए आर्य। नास्ते बुद्धिमताम शत्रुः, नास्ते बुद्धिमताम शत्रुः, नास्ते बुद्धिमताम शत्रुः।
आत्मच्छिद्रम न प्रकाशयेत्। आत्मच्छिद्रम न प्रकाशयेत्। आत्मच्छिद्रम न प्रकाशयेत्। आपदर्थं धनं रक्षेत्। आपदर्थं धनं रक्षेत्। शः कार्यमद्य कुर्वीत। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत। राज्य का है न तुम्हारे सम्राट का और न तुम्हारे विलासिता में डूबे हुए समाज का। मैं मगध के महामंत्री एवं अमात्य राक्षस से बात करना चाहता हूँ। पुरस्थम अपिचार चक्षुः पश्यति राजाः गतानुगतिको लोकः। पिचार चक्षुः पश्यति राजाः गतानुगतिको लोकः। दूरस्थमपिचार चक्षुः पश्यति राजाः गतानुगतिको लोकः। पिचार चक्षुः पश्यति राजाः गतानुगतिको लोकः। ओ